हेलो एंड वेलकम टू एसेंस ऑफ अतर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ तीन ऐसे एसेंशियल ऑयल्स के बारे में जो कि मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है और आपको हर फ्रेगरेंस स्टोर पे मिलेंगे। इसको जो है सो कई लोग हर डिफरेंट कस्म के इस्तेमाल के ले लेते हैं, कोई मसाज के ले लेते हैं, कोई क्या बोलते हैं एनजाइटी के ले लेते हैं, इसको डिफ्यूज़र में डाल के भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते वैसा तो आप इसको सोते वक्त आपके पिल्लों पे भी लगा के सो सकते, गुड साउंड स्लीप देता है आपको ये। तो पहला वाला है लेवेंडर, जो कि अगर आप ऑनलाइन ढूंढे तो आपको कई कंपनीज ऑफ़र करेंगे अपनी अलग अलग तरीके के डिस्टिलेशन के हिसाब से, थोड़े सिंथेटिक रहते कोई ओरिजिनल रहते। लेकिन मैंने भी ये जो मंगाया है इसको अभी मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन ये एक अभी अभी मैंने ये मंगाया है इसलिए इसका थोड़ा शेप भी अलग है, हम इसे ट्राई तो कर सकते हैं। जैसा कि जो लैवेंडर है वेरी फेमस है मार्केट में और एक वर्सेटाइल एसेंशियल ऑयल है, समझो आप रिलैक्सेशन के लिए, एनजाइटी के लिए। कई लोग इसे जो है सो डिफ्यूज़र में डाल के लेते हैं और कई लोग इसे जो है सो पिल्लो कवर को लगाते हैं, गाड़ी में लगा के रखते, कारों में। बहुत अच्छी स्मेल देता है और अगर आप कहीं क्या बोलते हैं आप मॉल्स में गए तो ये लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ये लोग। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, अब तक मैं जितने भी लैवेंडर सुनते हुए आया हूँ इसकी भी स्मेल सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं। हाँ लेकिन इसको मैंने सेकेंड टाइम इसलिए मंगाया है, मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था और इस सेकेंड टाइम इसलिए ऑर्डर किया कि इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है और थोड़ा इरिटेशन नहीं देता ये। जैसा कि इसके बॉक्स पर लिखा हुआ है कि ये लैवेंडर है, फ्लावरिंग टॉप से लिया हुआ है स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू, और उसमें यह भी लिख दिया कि वो आप किससे ब्लेंड करके इसको यूज़ कर सकते हैं इसकी क्या बोलते खुशबू को और एनहांस करने के लिए। फिर ये लिखा है कि आप इसको जो है सो कई क्या बोलते ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। अब मैं वो ट्रीटमेंट्स का नाम तो नहीं लूँगा लेकिन इस पर लिखा हुआ बहुत कुछ है, अगर आप गूगल भी करें तो मिल जाएगा कि भाई किस किस चीज़ों के लिए ये लैवेंडर यूज़ होता है। आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है ये। इसमें तो लिखा हुआ है कि मस्कुलर और नर्वस एक्नी पिंपल टेंशन को कम करता है, ये तो आजकल ज़माने को बहुत ज़रूरी है। अब वैसे ही अब दूसरा है हमारे पास जैस्मिन ऑयल, जो कि नाइट क्वीन कहा जाता है रिलीफ स्ट्रेस के तौर पे। हालांकि जैस्मिन का जो यूज़ है ज़्यादातर हर बड़ी कंपनी जो फ्रेगरेंस बनाती है शनैल जैसे और बड़े बड़े कंपनीज, इन लोग ये किसी हाल यूज़ करते हैं क्योंकि ये लिखा हुआ है देखिए ओल्ड ट्री सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल, तो इसका बेस होगा वो। लेकिन इसकी अगर आप खुशबू देखें स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू है ये, तो कलर देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत एकदम ऐसा दिख रहा है कि अगर आप फूल को हाथ में जब ले लेते हैं उसको अगर अपने हाथ से क्रश करते तो आपको ऐसी ही स्मेल आएगी। अगर आप हाथ से अपने ये फ्लावर को क्रश करेंगे जैस्मिन को, बहुत ही प्यार अच्छी खुशबू है। इसका एक ब्लेंड बना के अगर आप यूज़ कर सकते एक क्या बोलते हैं रिस्ट पे जैसे जैस्मिन, दूसरे रिस्ट पे वेलिना, यानी तो जैस्मिन के साथ थोड़ा ऊद मिला के ट्राई करने के लिए, क्योंकि यह तो ऐसी खुशबू है क्या बोल सकते हैं अगर आपके माइंड को एकदम रिलीफ करने के लिए, एकदम स्ट्रेस एनजाइटी में जो रहते उन लोग यूज़ कर सकते। बहुत अच्छी खुशबू तो है। और अगर इसकी पहले जो झाड़ आता था इसका रात की रानी का, उसकी बहुत ज़्यादा खूबी है कि शाम जब सूरज ढल जाता था तो ये फूल खिलते थे और ऐसी महक देते थे कि दूर से जो भी कोई पास हुआ
किसी के घर के सामने से तो महक मालूम चल जाती थी कि भाई इसके घर में रात की रानी का झाड़ है, बल्कि बहुत ही अच्छी खुशबू है ये। अब तीसरा वाला है वेनिला। वेनिला तो देखिए आप, आज के ज़माने में हर हेल्थी हेल्थ प्रोडक्ट्स जो रहते, और सबसे ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट जो बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता। स्किन केयर ले लीजिए आप, या हर किस्म के उसमें, इवन अगर आप जो कोई ऐसे जगहों पे गए, मॉल्स वॉल्स, क्या लग्जरी होटल्स में गए, तो वो लोगों के पास एरोमा के तौर पे यही यूज़ करते हैं वो लोग, वेनिला। साथ में ब्लेंडिंग करते हैं वो, नो डाउट अबाउट दैट। बहुत ही स्वीट खुशबू है, ओवरवेलमिंग स्मेल। मुझे तो वेनिला इतना पसंद है कि हर फ्रेग्रेंस जो रहती है मेरे पास, ऊद है या फिर जो है सो मस्क है, इन लोगों को मैं क्या बोलते हैं, मिक्स करके लगाता हूँ ताकि कुछ अच्छी खुशबू देना। मुझे वेनिला तो वैसे भी बहुत पसंद, मुझे वेनिला पेचुली मिला के लगाना पसंद है। तो आप भी अगर आपके पास वेनिला पिचुली है तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वेनिला आज की तारीख में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, जो सीड से निकाला जाता है, कभी प्लांट से निकाला जाता है, कभी कभार जो सो केमिकल के तौर पे निकाला जाता है, लेकिन ये मेरे ख्याल से स्टीम डिसोल्यूशन फ्लावर का है। ये बीन्स एंड पॉट, बीन पॉट्स का यूज़ किया हुआ है, इसलिए इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। इसकी कंसिस्टेंसी भी जो है ना, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, कलर भी है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसके ये तीन इसलिए मंगाया है क्योंकि ये ज़्यादा क्या बोलते पॉपुलर है। आपको इसके और दूसरे भी मिलते हैं, बैसिल सीड, बैसिल का है या फिर कोई दूसरे फ्लावर का है, आपको पूरे मिलते। तो फिर किसी दिन हम एक बार ट्राई करेंगे कि वेनिला और क्या बोलते जैस्मिन के बारे में, कि इनकी मिक्सिंग करके इनकी स्मेल कैसी रहती। और फिर किसी दिन अगर मैंने लैवेंडर और दूसरे ऑयल्स ख़रीदे, एसेंशियल ऑयल्स, तो हम फिर उसका रिव्यू करेंगे, डिटेल रिव्यू। तब तक के लिए हिट सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में आपके साथ। गुड बाय।